लेडी विमेंस कॉलेज की प्राचार्य सिडनी मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा निष्ठा तपस्वी अंतर्राष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में रजत मेडल मिलाई है पूरे वर्ल्ड में, आप सभी टीचर स्टूडेंट आस्था फाउंडेशन की तरफ से पुरुषोत्तम जी निकली थी। आज हम लोग यहाँ डायबिटीज मधुमेह के बारे में कुछ बातें करने आए हैं और ये इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है आने वाले दिनों में कि हमारे भारतीय और बिहार और हमारे देश के अंदर इतनी तेजी से फैलता जा रहा है कि पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की संज्ञा दी जाने लगी है। हालांकि जो आंकड़े हैं उसमें चाइना का नंबर अभी बर्थ के नंबर ऑफ केसेस है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत तेजी से भारतीयों के अंदर में ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है जिससे कि प्रोजेक्शन जो है कि आने वाले चंद वर्षों में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा डायबिटीज के रोगी होंगे। और ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, ये से लोग निग्लेक्ट करते हैं, इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी चुप्पी मार करने वाली होती है। बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप जानते होंगे, जैसे मलेरिया है ट्यूबरकुलोसिस है, एचआईवी एड्स है, ये सब ऐसे लक्षण उत्पन्न करते हैं कि लोग परेशान जाते हैं और तुरंत चिकित्सक के पास जाते हैं। लेकिन मधुमेह डायबिटीज ऐसा बीमारी है कि जो बहुत धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन ये सारे अंगों को खराब करने की क्षमता रखता है। और आज के दिन में अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो किसी भी देश में यदि एक डायबिटिक अगर यंग एज में आ जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट चलता है और वो सारे अंगों को जो डैमेज करता है उसकी क्षमता रखता है, उस कारण से ट्रीटमेंट में हमारे इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन उसको चला जा रहा है, चाहे वो कहीं से प्राइवेट से दवाई खा रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो इंसुलिन की, लाइफ लॉन्ग खाना है दवाई को, मॉनिटर करते रहना है शुगर को, और ये बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के अंदर से एक हार्मोन निकलता है जो इंसुलिन कहते हैं, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास से निकलता है, उसमें रिलेटिवली एब्सोल्यूट कमी हो जाती है और उस कारण से जो हम शुगर खाते हैं उसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है और ये पॉवर्टी डेंटी की संख्या इस बीमारी को उसमें दे देते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा का स्रोत शुगर प्रचुर मात्रा में है लेकिन हम उसे उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। एक बार बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था, हम लोग नागरिक शास्त्र में पढ़ते थे कि बिहार प्रचुरता में निर्धनता, बिहार के पास उस समय बिहार झारखंड मिलकर के एक हुआ करता था, हमारे पास पूरे खान कोयला का भंडार था, आयरन होर्स के माइंस थे, और लेकिन हम लोग गरीब थे क्योंकि हम लोग अपने लिए अपने देश अपने प्रदेश की प्रगति के लिए उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, प्रचुरता में निर्धनता उसी को करते। शरीर में पूरे शर्करा है आपके, शुगर है जिसके लिए लोग हम लोग जीवित जब से पेट के लिए सब लोग रहता है कि पेट भरे एनर्जी मिले, एनर्जी का स्रोत पूरा भरा हुआ है ब्लड में, शुगर लेवल 300-400 हो रहा है, लेकिन दुख की बात है कि उसका यूटिलाइजेशन शरीर उस स्थिति में नहीं कर पाता है क्योंकि उसके यूटिलाइजेशन के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमारे शरीर